एएस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट का पेपर। देखिए वैसे इस यूट्यूब चैनल पर पार्ट फर्स्ट क्लास 9th का मैं अपलोड कर चुका हूँ, अब बारी है पार्ट सेकंड का। और अभी हम इस दो तीन पार्ट जितने भी पार्ट हो सकते हैं आएंगे उसमें हम केवल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को ही देखते हैं। अभी 2 नंबर 3 नंबर 4 5 और 10 का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ मेरा फोकस है 1 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 1 नंबर के 25 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में और 25 में से 25 आपके सही होना चाहिए, आप टारगेट बना लो। ठीक है, इसी बात को लेकर के मैं एडजेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं लेकर के आया हूँ, उसके साथ इस पर आंसर ही बताएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें भी आपको बताएंगे, ताकि यदि क्वेश्चन को घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो आप सही कर लो। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्रमशः एक एक सब्जेक्ट उठाए हैं, हिंदी हिंदी लिए हैं तो हिंदी का पूरा कवर कर देंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे, ऐसे क्रमशः आपके पूरे 6 के 6 विषय आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट करा देंगे। तो आप टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे बता देता हूँ, अब मार्केट में जितने भी पुस्तक या फिर गाइड्स अवेलेबल हैं आप फालतू भटकने का प्रयास मत कीजिए, मैं पूरा कंटेंट छांट के लाया हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ इसी से पढ़िए, 200% श्योर है कि पूरा पेपर यही जाना है। ठीक है, और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का ही है तो पेपर भी आपका वहीं बनता है और वहीं से भेजा गया है, तो पूरा एकदम सही है। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट टाइम व्यर्थ किए बिना। अच्छा, एक नज़र पर आप इसका ब्लूप्रिंट देख लीजिए, वैसे तो ब्लूप्रिंट आप कई बार देखे होंगे, बहुत अच्छे समझते हैं, समझाया भी ब्लूप्रिंट, यदि किसी को ब्लूप्रिंट को समझना है तो जाकर के फर्स्ट वाली वीडियो को देख ले। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाली वीडियो पर हम 21 सेकंड को पूरा डिस्कस कर लिए थे गद्य खंड से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब हम आगे चलेंगे, इसके बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और आपको देना बहुत कुछ कंटेंट है। ठीक है, ये यहाँ तक का पूरा कवर हो चुका है। आज हम बात करेंगे इकाई 3rd मतलब कृतिका भाग, मतलब आपके पाठ के बीच से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए अलग से यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी आपको दे दिया गया है ताकि आप समझ जाइए। तो इस पर कितने पाँच नंबर के मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, ये लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ पृष्ठ 5 और 5 नंबर के, मतलब भाई आपके जो मैं बताने वाला हूँ वहाँ से 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, मैं लगभग आपको 20 से 30 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से 5 पक्का फिक्सर जो आएगा ही आएगा, तो कहीं भी मत भटकिए, इसी पर लग जाइए और इसी वीडियो को 10 बार देखिए। और यदि आप कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इसको कॉपी में लिख जाइए, यदि आपको कॉपी नहीं लिखना तो आप मुझे बताइए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ का प्रिंट निकलवा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा भी हो आप बताइएगा। ठीक है, अच्छा देख लीजिए इसमें कैसे कैसे पूछ जाएंगे, तो बहुविकल्पीय 1 क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान के 1 क्वेश्चन, सत्य असत्य के 1 क्वेश्चन, जोड़ी बनाने वाला 1 आएगा और 1 वाक्य में 1, मतलब इस प्रकार से 5 यहां से आपके आएंगे। तो समझ गए होंगे पैटर्न कैसा है। अब चलिए देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर। देखिए लेखिका ने अपने नानी को क्या क्यों नहीं देखा, लेखिका ने अपने नानी को क्यों नहीं देखा। ऑप्शन है घर छोड़कर चली गई, मायके चली गई थी, स्वर्ग चली गई थी, लेखिका अंधी थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 7, स्वर्ग चली गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है मेरे नाना पक्के माने जाते थे। ठीक है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे। ऑप्शन है साहब, हिंदुस्तानी, अंग्रेज और बाबू। तो इसका सही आंसर है साहब, फर्स्ट नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd, रेणु के पैदल आने पर पिता रोते थे, खुश होते थे, गुस्सा होते थे या कुल्हाते भूनते थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा कुल्हाते भूनते थे, डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अब आपको भरना है खाली स्थान। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बाजू में 2 ऑप्शन है, 2 में से 1 करेक्ट आंसर है और आंसर आपको खुद करने का प्रयास करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे नाना पक्के डैश 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 माने जाते थे। ऑप्शन है आपके पास साहब और अंग्रेज, तो इसका सही आंसर होना चाहिए साहब। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे नाना पक्के माने जाते थे, तो इसका सही आंसर क्या था? साहब। तो यही इसका सही आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना वो 200% सही चांस है आने का, पेपर में आ सकता है वो क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd, वे डैश 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 से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। आपके पास 2 ऑप्शन है, स्त्री जात और परिजात, तो इसका सही आंसर होगा परिजात इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है, नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर डैश 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 पढ़ने विलायत चले गए थे। ऑप्शन है डॉक्टरी या बैरिस्ट्री, तो इसका सही ऑप्शन होगा बैरिस्ट्री, बैरिस्ट्री पढ़ने नाना जी चले गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नानी के मन में खाली स्थान की आज़ादी के प्रति जुनून था। ऑप्शन है देश या स्वयं,
तो इसका सही आंसर होगा देश। नानी के मन में देश के आजादी के लिए जुनून था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तीसरे नंबर पर डैश 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 है, ऑप्शन है चित्रा या रेणु। तो इसका सही आंसर होगा चित्रा, इस करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उर्दू शब्द तालीम का अर्थ है, तालीम मतलब क्या होना है, तालीम मतलब होता है शिक्षा या अशिक्षा। तो इसका सही आंसर है शिक्षा। देखिए तालीम मतलब शिक्षा होता है, जैसे स्कूलों पे शिक्षा दी जाती है, तो उर्दू भाषा के यदि स्कूल आप जाएंगे तो वहां पर बोर्ड पे लिखा रहेगा कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जानी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। रीढ़ की हड्डियां नामक एकांकी में कुल डैश 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 पात्र हैं, जो रीढ़ की हड्डी एक कहानी आपकी किताब का एकांकी है। एकांकी का मतलब क्या होता है, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है। ठीक है, इसमें कितने पात्र थे, चार थे या छह थे। तो इसका सही आंसर होगा छह, सिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। माटी वाला पाठ के लेखक कौन है, लेखक का नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विद्यासागर नौटियाल, यही इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। जटिल शब्द मॉड का अर्थ है क्या, है बर्तन या झाड़ू। तो इसका सही आंसर होगा बर्तन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। माटी वाला नामक कहानी के प्रारंभिक शब्द डैश 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 है, शमशान है या शहर है। तो इसका सही आंसर है शहर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। नानी के मन में देश की आजादी के प्रति डैश 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 जुनून था। तो यहाँ पर जुनून और डर हो गया, तो यहाँ पर ये गलत ऑप्शन हो गया। इसका मतलब सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन यहाँ पर है 4th नंबर का रिपीटेड, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर में आने का 200% चांस बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। नानी की लेखिका की नानी डैश 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 थी, ममतामयी या करुणामयी। तो इसका सही आंसर होगा ममतामयी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य बताओ। अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, और ये रहे 5 क्वेश्चन, और सभी का आंसर नीचे है, आप देख सकते हैं इसका आंसर भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं सही जोड़ी, सही जोड़ी मिलाना है, और ये रहे 6 क्वेश्चन, और इसका ये खा पार्ट में भी 6 रहे, और इसका सही आंसर नीचे दिया गया है, तो आप इसको भी मैच कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना है, 1 नंबर का यहाँ से आना है। तो ध्यान से मैच कीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया गया है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नानी का देहांत हो गया था, वो स्वर्गवास हो गया था उनका, इसलिए लेखिका ने उन्हें नहीं देख पाया था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में आने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए, श्री जगदीश चंद्र माथुर। और ये क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित रचना का नाम बताइए, मतलब जो आपका बुक है, विद्यासागर नौटियाल जो लेखक हैं वो कौन सा कहानी लिखे हैं। तो वो टिहरी नाम की एक कहानी लिखे हैं विद्यासागर नौटियाल जी। ठीक है, मतलब ये आपकी बुक से रिलेटेड है। तो और भी रचनाकार का नाम देख लीजिए इसके साथ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको भी आप देख कर जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। माटी वाला माटी कहाँ से लाती थी, तो माटी वाला माटी माटी खाना से लाती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माटी खाना इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। माटी वाला नामक रचना की विधा बताइए, तो माटी वाला नामक रचना की विधा क्या है। विधा मतलब देखिए क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। विधा मतलब ये पूछा है कि एक कहानी है, संस्मरण है, कविता है। तो जब आप पाठ पढ़ेंगे ना, तो पाठ पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सी पाठ ना कहानी ऐसी लिखी रहती है, जैसे आपकी दादी लोग आपको कहानी सुनाती थी ना, तो कहानी ऐसी लिखी रहती थी, तो वो कहानी है। ठीक है, बहुत से ऐसा लिखा रहता है जैसे आप कहीं घूमने गए। ठीक है, समझिएगा, आप कहीं घूमने गए और घूमने जा रहे हैं, तो आपने एक कॉपी में उसे लिखते किया कि हमने यहाँ से अपने घर से निकला, 10 किलोमीटर में हमारा रेलवे स्टेशन पड़ा, वहाँ से हम 25 किलोमीटर यात्रा की, उसके बाद उतरे, ऑटो लिए गए। ठीक है, ये आप पूरा लिखे तो इसे कहेंगे यात्रा वृत्तांत। मतलब आप जहाँ जहाँ घूमे उसके बारे में आपने वर्णन किया। ठीक है, अब कविता क्या है। कविता मतलब जिसमें लय हो, तुक हो, छंद हो, जो आपको सुनने में अच्छा लगे, उन्हें कहते हैं कविता। कहानी पढ़ने में और दिमाग लगाते हैं। कहानी क्या होता है, कहानी आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से और दिमाग सुनते हैं, लेकिन कविता में जहाँ पर आपको थोड़ी मनोरंजक लगी उसे कहते हैं कविता।
ठीक है। अब संस्मरण क्या होता है? संस्मरण का मतलब होता है किसी दूसरे के बारे में लिखना, जैसे मैं आपके बारे में लिख रहा हूं तो ये संस्मरण हो जाएगा, ठीक। तो आप पाठ पढ़ेंगे अपने से ही पहचान सकते हैं कि कौन सा पाठ क्या है। अब एक काम कीजिएगा, आप अभी बुक ओपन कीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद, और कोई भी कहानी उठाकर पढ़िएगा, कोई भी कहानी कविता जो भी आपको मिले पाठ उठाकर पढ़िएगा, फिर उसे पढ़कर के आप पहचानिएगा ये क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माटी वाला किस प्रकार की मिट्टी लेकर आती है? तो ये लाल पीली मिट्टी लेकर के आती है, तो यहाँ पर लाल मिट्टी लिखा है, आप देख लीजिए अगर एक बार बुक में, क्योंकि बुक में कहीं कहीं उल्लेख है लाल पीली मिट्टी, बस इसका सही आंसर लाल मिट्टी ही होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाला क्या खरीदता है? रुकिए इसको मैं थोड़ी हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, वन सेकंड जस्ट वेट। हाँ ये लीजिए, हाँ क्वेश्चन है आपका, माटी माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाला क्या खरीदता है, मतलब मिट्टी वाला जब मिट्टी बेच देता है तो जिससे आमदनी मिलती है उससे वो क्या खरीदता है, तो वो प्याज खरीद के ले जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो लेखिका की नाना पढ़ाई करने बिलायत गए थे, और किसकी पढ़ाई करने गए थे ये बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, और आप बिना ऊपर देखे वीडियोस के और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हाँ इसकी पढ़ाई करने गए थे। बस इस प्रकार आपके ये 8 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए, 5 क्वेश्चन इंस्टेंटली आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा, और मुझे उम्मीद है आप कहीं से भी गलत नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच।